हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन निधि। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए नवरात्र स्पेशल कूटू के आटे की और उबले हुए आलू की बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ी की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए दो बॉयल किए हुए हमने आलू ले लिए, हरी मिर्च को कट कर लिया, आटा ले लिया और ये ड्राई मसालों में हमने काली मिर्च, नमक और जीरा लिया है। धनिया को हमने काट कर तैयार कर लिया है। एक बड़ा सा बाउल लेंगे, इसमें ये कूटू का आटे को डालेंगे और सभी मसाले इसमें डाल देंगे। ज़्यादा इसमें कुछ भी मसाले नहीं ऐड किए हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हरी मिर्च और धनिया को भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बनाएंगे। आलू को इस तरीके से हाथ से तोड़कर हमने टुकड़ों में तैयार कर लिया है। आप अपनी पसंद से छोटे या फिर बड़े टुकड़े कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इसका एक इस तरीके से बैटर बनाकर हमने तैयार कर लिया है। घी को हमने पहले ही गर्म कर लिया है, तो इस तरीके से घी हमारा परफेक्ट तरीके से गर्म है। एक एक आलू को पीसेस को इस तरीके से इसमें डैप करेंगे और एक करके चम्मच की हेल्प से डालेंगे, या फिर आप हाथ से भी इसे डाल सकते हैं और गोल्डन क्रिस्पी होने तक इसे सेंक लेंगे। तो देखिए आप इस तरीके से कूटू और आलू के पकौड़े बनाएं और चाय के साथ या फिर चटनी के साथ इसे सर्व करें तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए इस तरीके से फर्स्ट बैच को हमने निकाल कर तैयार कर लिया। सेकेंड बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसको भी निकाल कर इसी तरीके से तैयार कर लिया। सभी पकौड़े बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। आप लोग भी बनाइए और ट्राई कीजिए और चटनी के साथ, चाय के साथ इसे सर्व कीजिए। अगर आप लोगों को हमारी नवरात्र स्पेशल कूटू के आटे की और आलू की रेसिपी पकौड़ी की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत पहुंच सके। और एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अगले थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।